लक्ष्मी के कारण प्रवचन के कारण आपके बीच में आ नहीं सका। अब आज वापिस पुनरपि आपके बीच में गीता के ऊपर संवाद करने का सौभाग्य रोज नारायण प्रदान करता है। हम लोग गीता के 27वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे थे रोज। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वज्ञ सर्वेषा अहंकार अभिमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। अब कई बातें भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई। अब ये ज्ञान और समाधान और किस विषय के ऊपर इसको आप ये बातें करना चाहिए, किस व्यक्ति के सामने किस तरह की बातें रखना चाहिए, ये समझदार के विचारों के साथ में पहली क्लास के बालकों को आप चौथी पांचवी दसवीं ट्वेल्थ पीएचडी इस तरह की बातें उनके सामने रखोगे तो वो अपनी ही बात रखेगा, वो अपने तरीके से ही सोचेगा। जैसा कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ने तीन लोगों को दा अक्षर दिया था, तो जब दानवों को पूछा तो दाक्षर का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा हम दानव हैं, हमारे मन में दया नहीं है, हमको दया करना चाहिए। देवताओं को पूछा कि आप दाक्षर का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देवता हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, तो हमको समाज के ऊपर दया करना दान देना चाहिए, शक्ति देना चाहिए। मनुष्य को पूछा कि आपको इसका दा, उन्होंने कहा कि हम लोग धन दौलत पाप नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तो हमको अपने कमाए हुए धन में से कुछ दान देना चाहिए। शब्द एक ही है, लेकिन एक शब्द दस जने उसको अलग विषय के तरीके से सोचने का प्रयत्न करता है। दोष उसका भी नहीं है कि वो उस अक्षर का क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि कारण उसकी बौद्धिक धरातल उतनी है। वो जो बौद्धिक धरातल है, वो जो पात्र है, उस पात्र के हिसाब से वो ग्रहण करेगा। तो इसीलिए अब जिस तरह से जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके सामने इंग्लिश बोलो तो शब्दावली समझेगा नहीं, कन्नड़ में चले जाए तो कन्नड़ के सामने हिंदी बोल दो तो समझ में नहीं आएगा। हरेक उसके भाषा में जाकर उस लेवल पे आकर आपको उसी तरह से शब्दावली का जब ज्ञान होगा तो उसके शब्द आपस में समझ में आ जाएंगे। भगवान यही कहते कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अर्जुन कभी कभी कई व्यक्तियों के सामने अति गुणता का विषय भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इसका विषय है ही नहीं, वो हंसी मजाक में उड़ा देगा, उसके लिए वो अनप्रैक्टिकल लगेगा। तो उन अनप्रैक्टिकल, क्योंकि जो भाई अब दसवीं की प्रश्न उत्तर ही अगर हम लोग पहली क्लास में दे तो वो तो मूर्ख समझेंगे, अरे हमारे क्या इन काम का है। उसके लिए आपको 10 साल 10 वर्ष 10 क्लास पास करने के बाद उसमें से जब शिक्षक बताता है तब जाकर वो विद्यार्थियों को उतना समझ में आएगा और पूर्ण तरीके से वो दसवीं की पढ़ाई भी समझ सके, उसमें भी संदेह है। लेकिन क्लास उसके लिए अ अक्षर से लेकर दसवीं के नाना प्रकार के सब्जेक्ट को समझते हुए उसमें सब समझ में आएगा। तो भगवान यही कहते कि अर्जुन प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषा, क्योंकि मनुष्य मूर्खों की बुद्धि में हमेशा भ्रम रहेगा। अज्ञान जहां होगा कि वहां भ्रम अपने आप ही उत्पन्न होता है, जहां समर्पण होगा वह भ्रम नहीं है, वह जो करेगा वह सही है। ये को हम बहुत शाम एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन प्रकृति क्रियमाणानी। अब हम लोगों को कई लोग क्या है कि अब विषय खाली शरीर ये चर्मकारों को देखने वाले लोग ज्यादा है, जिनको हम चर्मकार कहते हैं, एक इंद्रियकारों को देखने वाले, एक बौद्धिक विषयों को देखने वाले और एक आत्मिक विषय को देखने वाले और एक पारमार्थिक विषय को देखने वाले, इनका वर्ग अलग अलग है। अब इन वर्ग में जब हम लोग चलते हैं
अतः चर्मकारों के वर्गों में अगर हम लोग चलते तो चर्मकारों के वर्ग में वो विषय वही आएगा, कोर्स उसका नहीं है, वो बातें भी उसी तरह से आएगी कि नहीं। वो चर्मकार ही वो कहते हैं ना कि जनक जी के सभा में जब अष्टवक्र आए, अष्टवक्र को देखकर पूरी सभा के विद्वान लोग बड़े जोर से उनको ठहाका मारा, क्योंकि आठ जिले पे टेढ़े मेढ़े थे। तो उनको ठहाका मारने के बाद वह अष्टवक्र ने जनक से कहा कि जनक, ये चर्मकारों को तुम लोग क्यों लेके आ रहे हो? वो मेरे तो ऊपर की चमड़ी देख रहे, मेरे अंतर ज्ञान को नहीं समझ रहे। अगर ये मुझे मेरे ज्ञान को समझते तो मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसते नहीं, क्योंकि सब चमड़ी वाले लोग हैं। ये हमारे जीवन में सिद्धांत, भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वेषा, इन जगत में सभी धर्म से जितने भी अच्छे बुरे मूर्ख सभी अपने आप में स्वयं उम्मीद कर अपने आप को ही कर्ता समझता है, जबकि परमात्मा को कर्ता न समझने के कारण ये मैं ही कर रहा हूँ, ये मुझे ही करना है, ये मेरा ही दायित्व है, ये मुझे मैं क्यों करूँ, मेरा क्या पड़ा है, मेरा क्या लेना है, मेरा क्या देना है, इन सारे प्रश्नों में ये सारे मूर्खों के लक्षण बताए। जबकि अपना दायित्व समझ कर जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है अपने आप को ही करता है, अरे भाई तुम काय के करता हूँ, आज तुम्हारे जैसे कर्ता सतयुग से कितने आए कितने चले गए, तुम भी कितने आओगे कितने चले गए चले जाओगे। अभी बड़ी मुश्किल से हम लोग अगर देखें 20 25 30 40 साल के अंदर तुम लोग चले जाओगे, 20 साल 30 साल में हम लोग आउट हो जाएंगे समाज से। हाथ में चलने के लिए लकड़ी चाहिए, दांत मुंह में दांत नहीं है, बच्चे देखते कर हंसेंगे पहले करेंगे कैसा मूर्ख हो गया ये, और आपको घृणा आएगी अपने आप में जीवन में, अरे मैंने जिनके लिए इतना कह दिया देखो क्या कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जब आपके मन में, हम लोग इस जगत में करता है ही नहीं, ये एक आपके जीवन में अपने मन के बातों को निकाल दो, ये सारा करता धरता आप जैसा हम लोग समझते हैं, टार्च अगर समझे कि मैं करता धरता हूं तो टार्च का एक अगर उसको बटन दबाया तब जाकर वो जलता है। ये हम लोग एक जगत में टार्च जैसा काम करते हैं, वो बटन दबा दे तो चल रहे खा रहे पी रहे सो रहे नाना प्रकार के काम कर रहे, उसने बटन बंद कर दिया कि चारों के कंधों पे चल रहे जल के आ गए फिर वापस पुनरअपी कहीं ना कहीं। तो परमात्मा क्या कहते कि हे अर्जुन, इस जगत में हमारे जीवन में हम लोग कोई भी कर्ता भाव हमारे मन में नहीं है। आज विज्ञान क्या बात करें, हम लोग क्या बात करें, एक आपकी आंख विज्ञान नहीं बना सका, ज्यादा कुछ नहीं एक बाल विज्ञान नहीं बना सकता, क्या करता भाव हम लोग करते। आज विज्ञान हम लोग अगर देखते तो आज एक विज्ञान संतान प्रदान नहीं कर सकती उनकी मजबूरी, आज विज्ञान आपको एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ा, हार्ट अटैक देती हमारे हाथ में नहीं है। मैंने कई मरीज देखे है श्रोताओं, इसलिए हम लोग अपने आप में अगर करता होते तो पता नहीं क्या कर लेते। आपके हाथ में आपका मन आपकी बात नहीं सुनता है, आपके मन में आप कहो कि ये बात मेरे मन में नहीं आना चाहिए बार बार वही आएगी। आप कल प्रयत्न करो कि नहीं ये बात मेरे मन में नहीं आना है नहीं आना है नहीं आना है, अभ्यास न होने के कारण वही बात बार बार इंगित करेगी। ये कर्ता भाव आपका कैसा, आपका मन आपका हाथ आपका पैर आपका आंख आपकी बात नहीं सुनते तो आप कर्ता कहां से हो गए हो। तो भगवान यही कहते कि अर्जुन इन सभी प्रकार से इन सभी गुणात्मा की चर्चा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता भमिति मन्यते। अपने जीवन में जितने भी हम लोग कर्ता भाव के साथ रहते हैं, ध्यान पूर्वक सुन अर्जुन, ये तुम लोग कोई भी कर्ता धर्ता करने वाले नहीं है, सारे कर्ता धर्ता मैं हूं। और इसका उदाहरण आप एक श्वास नहीं ले सकते हैं, आपकी आंख की पलकें आपके हिसाब से चल नहीं सकती है, श्वास आपके हिसाब से नहीं चल सकती है, हार्ट हृदय किडनी पैर हाथ ये आपके हिसाब से नहीं चल सकते हैं, तो आप अपने कर्ता धर्ता कैसे हो गए हो, किसको कर्ता धर्ता मानोगे, इसको चला कौन रहा है, आखिरी अंत में कौन बैठा हुआ है, इसका चिंतन ही भगवान ये कहते कि अर्जुन ये सारे के सारे चिंतन छोड़ो उन बातों को, अपने जीवन में मैं बतलाता हूं कि अपने जितना भी हो सकता है इतना ही कर्म देखना कि मेरे हित का कर्म क्या है।
और जो अपना हित देखता है, सत्य कर्म असत्य कर्म छल कपट कर्म जहां जिसको साधनात्मक कर्म, आपको इतना आपको पता होना, इतना तो आपको ज्ञान है संसार का सभी का। कितने हम लोग देखते हैं नोटबंदी में एक रुपया भी खराब नहीं जाए, इसका तो बहुत बड़ा ज्ञान आपका था, कोने कोने से उठा कर रख दिए। बहुत सारे प्रकार के सारे इतना ज्ञान है कि संसार के सारे कर्म आपके बुद्धि के साथ सब उसमें लाभकारी हानिकारी आपको सब। तो परमात्मा एक है कि इतना ही ध्यान रखना अर्जुन कि अपने कर्ता अहमति मन्यते, अपने जीवन में आपके यह लोक में और परलोक में दोनों ही प्रकार का विचार सोचकर हमको हमारे जो हित कर्म का है उसी को ग्रहण करना है। ये बुद्धि आपके मन में अगर आ जाए तो आपके जीवन का सबसे बड़ी साधना है। अब हम लोग किसी की बुराई देखने से क्या होगा, किसी की निंदा करने से क्या होगा, किसी के बारे में नाना प्रकार की हंसी मजाक उड़ाने से क्या होगा। ये हमारी हितकारी कर्म नहीं है, ये अहितकारी कर्म है। ये काम कैसा है बताओ, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हो। जो आपके जीवन में जितना उपयोगी कर्म है वो अपना कर्म रूपी धर्म को समझकर किया हुआ कर्म, ये आपकी पूजा। और उसके विपरीत अगर आप काम करोगे तो यही आपका अधर्म है। इस अधर्म के साथ में हम लोग कर्ता भाव में ही है, ये कर्म भाव समझकर। कर्ता भाव तो नारायण है, आपके हृदय में विराजमान कौन है, कौन चला रहा है आपको, कौन दिखा रहा है, कौन खिला रहा है। ये कर्ता भाव परमात्मा हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण ही परमात्मा नारायण का जो अंश हमारे अंदर बसा हुआ है उस नारायण के अंश को साक्षी रखकर हितकारी कर्म करना, ये हमारी पूजा है। खाली माला लेकर ध्यान में बैठकर नहीं, कुछ नहीं होता है। भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरा ध्यान करो या मेरा पूजा करो, उन्होंने ये कहा कि भाई हम कहते हैं कि ध्यान से पूजा करो, ध्यान से माला करो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो। ये सारा जब आपका ध्यान के साथ करोगे ये आपकी पूजा है। नहीं तो पागल की तरह आप कल्पना करें, गाड़ी में बैठे और आपका ड्राइवर पागल है और 180, 120, 130 की गाड़ी में आप जब गाड़ी चला रहे उस समय आपकी अवस्था कैसी रहती है। एक पागल ड्राइवर 100, 120 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है, आप बैठे हो उस समय आपकी आपका मन ऐसा पागल के साथ आप चल रहे हो, इसके कारण दुखी है। आप अपने आप को कर्ता भाव मानते हो, उसको छोड़कर मैं ही हूं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, अरे क्या किया। आप अपने आप को अपने लिए नहीं कर पा रहे, दुनिया की क्या बातें करते हैं। ये जब आपके मन में पूर्ण रूपे न समर्पण भाव आ जाए परमात्मा के प्रति, ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन यही हमारा हितकारी कर्म है, यह हमारा ध्यान है, यही हमारी पूजा है। आपके मन में जब ऐसे भाव ईश्वर का साक्षी रखकर आपके भाव जब जागृत हो जाएंगे तो समझना ये ध्यान है, ये उपासना। गीता कहते समत्वम योग उच्चते समम सर्वेशु, योग किसको कहा है, आपके बुद्धि योग में परमात्मा का जो सारा धर्म समझ में आ जाए। हम लोग ध्यान किसके लिए करते हैं कि ध्यान के द्वारा परमात्मा की धारणा हो, उसका एहसास हो, और उसका एहसास करने के बाद उसका पूर्ण कर्तव्य हो। वो कहते हैं कि वो हम लोग एक कथा सुनते हैं खाटू श्याम की, बड़ी अच्छी कथा है, सुनता हूं मुझे ये कथा बड़ी बार बार प्रेरणा देती है। कथा जब पांडव खाटू श्याम जी के पास गए तो पांची पांडव ने अपने सामर्थ्य का इतना बखान कर दिया, चाहे युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, खाटू श्याम जी ऊपर बैठे हुए और नीचे भगवान कृष्ण, दोनों के बीच में पांडव और खाटू श्याम जी जोर से हंस पड़े। हंस पड़े तो पांडवों को लगा हमारी तोहीन हो गई, हमारे युद्ध की प्रशंसा करने के बजाय इसने हमारा युद्ध को हंसी में उड़ा दिया। अर्जुन को थोड़ा मन में गुस्सा आया कि भाई ये कैसा ज्ञानी है,
ईश्वर का प्रतिरूप मानते कैसा है ये, और हमारे इतना जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारने वाले हम लोग, और ये हमारी हंसी उड़ा रहा है। तब जाकर युधिष्ठिर ने पूछा, भाई आप हंसी उड़े हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा अज्ञानी मैंने कोई नहीं देखा। बोले अज्ञानी क्यों? जिसके साथ नारायण है, ना तेरा बाण, ना तेरा ढाल, ना तेरी गदा, उनकी किसी भी जगह पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। जितने भी ये बड़े बड़े महारथी मरे, उन सभी के चब आपका गर्दन के पास में भगवान कृष्ण का सुदर्शन ने मारा, तुमने कुछ नहीं मारा, बहाना तुम्हारा था। ये कितनी बड़ी बात करी उन्होंने। तो हमारा बहाना, हम लोग यही देखते हैं कि भाई हम लोग अपने आप में बड़ा प्रदर्शन करते, ये मेरा है, कब तक मेरा है। आपके कर्म आपके हाथ में है, आपका धर्म आपके हाथ में, बाकी आपका कोई किसी के हाथ में नहीं है, कोई किसी का अधिकार नहीं है। आपको अपना कर्म पूर्ण रूपे में ईश्वर का साक्षी मानकर किया हुआ, ये आपकी उपासना है। भगवान यही कहते अर्जुन, इसी तरह से आप अपने आप में चलाने का प्रयत्न करें। आगे का श्लोक क्या कहते भगवान? तत्ववित्तो महाभावो गुण कर्म विभागये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जन्ति, मत्वा न सज्जते। ये अपने आप है, अब कर्म मनुष्य जीवन है तो कर्म करना ही है। आप सोचोगे कि हम कर्म नहीं करेंगे तो आपका मन कर्म करेगा, आपकी आप कर्म करेगी, आपके कान कर्म करेंगे, आपकी वाणी कर्म करेगा। भले ही आपके ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, आपके कर्मेंद्रिय सुप्त अवस्था में है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय कैसे सुप्त अवस्था में हो सके? वो तो करेंगे। अब यहाँ सब लोग हम लोग बैठे हैं, भले ही आप लोग मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप अपने अपने बुद्धि से चला रहे हो, आपका कर्म है, चला ही रहे, अपने अपनी बुद्धि वहां लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने आप में अपने अपने आत्मा के साथ उसको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो आप। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये सारे जब तत्ववित्तो महाभाव गुण कर्म विभाग या, और जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, एक संसारनिष्ठ, एक शरीरनिष्ठ, एक धननिष्ठ, एक पदनिष्ठ, ऐसे कई निष्ठता आती है हमारे, उसका बहुत विस्तार हो सकता है। अब संसार कोई वासनानिष्ठ, जब तक वो वासना की पूर्ति नहीं होती वह उसके पीछे पूर्ण हो गए कि शांति, जिसको पद चाहिए पद प्राप्त होने के बाद शांति। जब नौकर की नौकर किसी मास्टर से पूछो, जब तक नहीं लग रही थी तब तक 50 देवताओं को पूजा, और लगने के बाद धीरे धीरे छोड़ते हुए 20-25 साल हो गए, ऐसा लगता बेकार नौकरी छोड़ना चाहिए। जिसके लिए पहले प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ते रहे, अंत में उस व्यक्ति अंत में वह कहता मुझे रिजाइन करना है। ये पद निष्ठ धर्म, जिसको कहते हैं कि शरीर निष्ठ, धन निष्ठ, प्रतिष्ठा निष्ठ, ऐसे कई, और वहां तक पहुंचने के बाद उसको पूर्ण लगता है, फिर उसके बाद वो कुछ एक समय तक उसमें पूर्ण मानता है, वापस नई चीज उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन एक ब्रह्मनिष्ठ है। क्या कहा? तत्ववित्तम महाभाव गुण कर्माणि विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न उच्यते। यह मनुष्य जीवन में देहाभिमान करना, अपने परस्पर तटस्थ वृत्तियों में शरीर, अब क्या होता है कि हम लोग साधारण मनुष्य है वो शरीर निष्ठ, अब भाई आदमी तो, अब हम लोगों ने दही बनाया है तो दही बनाना मतलब उसका उद्देश्य मक्खन प्राप्त करना है। इसी तरह से हमारे परमात्मा ने शरीर दिया है तो इसका एक मूल ब्रह्म निष्ठता के साथ में आत्म प्राप्ति का लक्ष्य हमारा है। हम लोग जबरन इधर धन दौलत पद शरीर वासना उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमने अपना समय बिगाड़ते हुए, कोई भी जीवात्मा आत्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, और जबरन फिर कोई स्वर्ग के लिए तपस्या करता है। स्वर्ग के लिए कोई तपस्या करना जरूरी है? तपस्या साधना कर्म तो ये परमात्मा आत्मा को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, और जब आपके कर्म उसी में लगे रहते हैं तो उसी तरह से अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना,
और कर्म बंधो ना भाई, आप संसार में आए हो तो आपको इन सारे चीजों की समस्याओं को स्वीकार करते हुए उसमें भी पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना, ये सर्व ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। शिकायत तो बहुत करते हैं, जितनी भी आपके सामने समस्या आई है उन समस्याओं को प्रेम के साथ स्वीकार करना। वो एक गाना था ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जे जो भी देना मुझे दे देना पालनहार। मीरा, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, इन सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। बाबा एक एक का जीवन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके जीवन का कितना संघर्ष था, फिर भी अपने उस कर्म स्थिति में रहते हुए, आत्म स्थिति में, ब्रह्म निष्ठाता में रहते हुए उन्होंने शिकायत, पांडवों ने कोई शिकायत नहीं की। और बताता हूं, मैं कई बार कहा, आप जितना हमारे आराध्य हमारे भगवानों ने कष्ट उठाए, क्या उतने कष्ट आपके जीवन में है? नहीं है। इसलिए श्रोताओ, अपने जीवन में गुना गुना गुणेशु वर्तन्ति इति मत मान सज्जते। अपने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की क्रिया, सूर्य को कभी भी नाना प्रकार के, अपनी जितनी भी प्रकृति में है उन सभी को एकात्म भाव से रहने का प्रयत्न करो। श्रोता इतना ही कहते हुए आज समय पूर्ण हुआ, 101 मिनट आप लोगों का ज्यादा लिया मैंने, 21 हो गया, फिर भी कल हम और चिंतन करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।